फॉर्स एंड गाइस, आई होप कि आप लोग अपनी जगह पर, अपने यथा स्थान पे एकदम कुशल मंगल से होंगे और स्वस्थ और बहुत खुश होंगे। तो अभी मैं नॉन स्टॉप कम से कम 5 मिनट बात करूँगी। वेलकम है आपका अदिति ऑन व्हील्स में, और हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अच्छी आदतों की। अच्छी आदत क्या हो सकती है? अच्छी आदत हो सकती है कि हम, हमें सदा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, किसी से चिढ़ना नहीं चाहिए, किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, बेवजह ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो ऐसा संभव है क्या? हाँ, संभव है, क्योंकि सब कुछ हम माइंड सेट से कर सकते हैं। माइंड को सेट करना पड़ेगा। अगर झूठ बोलने की आदत है ही नहीं तो आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे, और आप बेवजह किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे। आपके पास टाइम नहीं है, आप इतना व्यस्त रहेंगे तो आपके पास किसी से जलने का भी टाइम नहीं होगा। और क्योंकि हमें दूसरों की लाइफ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, वो उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, और हमारी लाइफ में क्या चल रहा है उससे किसी को मतलब नहीं होनी चाहिए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें सदा खुश रहना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, और ज़्यादा टाइम जो है भक्ति में गुजारना चाहिए, ईश्वर की, भगवान के साथ विश्वास बना के रखना चाहिए। भगवान है तो सब कुछ पॉसिबल है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपका फेथ ईश्वर में सबसे ज़्यादा है तो आपकी जो सफलता है वो निश्चित ही आसमान छुएगी। तो ये 5 मिनट मैं अच्छी अच्छी बातें कर रही हूँ ना, ठीक है ना? एक्चुअली और क्या बोलना है कि सच में अगर हम सच्चे मन से भगवान में विश्वास रखेंगे तो ईश्वर हमारा हर समय साथ देंगे। ईश्वर, अगर आपके अंदर फेथ है, अगर आपके अंदर आस्था है, तो जो हम मूर्ति पूजा करते हैं उसमें भी आपको भगवान नज़र आएंगे, और उसमें भी हम बिलीव करेंगे, ठीक है ना? और अगर हम क्या बोलते हैं, जैसे अग्नि जलती है, अग्नि में भी सोचते हैं कि गॉड है, तो हमें उसमें भी गॉड दिखाई देंगे। जल है, अगर हमने जल को माना कि वो ईश्वर है तो वो भी गॉड है। हम इस प्यारे से धरती पर रहते हैं, ये तो ईश्वर है ही, तो ये भी गॉड है। और गॉड हर जगह है, आप फील करिए, गॉड यहाँ है, दिल में है गॉड। तो गॉड में जितना ज़्यादा विश्वास करते हैं तो वो बहुत ही क्या बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंट होते हैं। अगर जिसको भगवान से प्रेम हो जाए, या फिर भगवान पे इतने ज़्यादा आस्था हो जाए कि ज़रूरी नहीं है कि पूजा करने से ही आस्था होती है, मतलब ईश्वर को आप मन से मानते हैं, आपको प्रकृति में ईश्वर दिखाई देता है, आपको बहते पानी में ईश्वर दिखाई देता है, आपको अग्नि में ईश्वर दिखाई देता है, आपको पेड़ पौधों में ईश्वर दिखाई देता है, यानी कि ईश्वर को आपने पा लिया। ईश्वर सच में, ईश्वर हर समय हम लोगों के साथ है। तो मैं तो भगवान को मानने वाली बहुत बड़ी बिलीवर हूँ, और मैं ईश्वर में बहुत आस्था रखती हूँ। ईश्वर की वजह से ही मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ। ईश्वर को मानने की वजह से ही मुझे मतलब जो मेरे कभी कभी होता है ना, सबकी लाइफ में दुख आते हैं, कुछ होता भी है तो मैं उससे बहुत जल्दी उबर जाती हूँ। मतलब मैं अपनी तकलीफ़ों को, अपनी परेशानियों को नीचे रखती हूँ, और अपने विश्वास को, अपने आत्मविश्वास को, अपने भगवान के प्रति विश्वास को सबसे आगे रखती हूँ। और शायद मेरे ख्याल से हम सबको ऐसा ही करना चाहिए। अगर कोई आपके आसपास में कोई अच्छे से तरक्की कर रहा है तो उसकी तरक्की से खुश होना चाहिए, और अपनी लाइफ से सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ में जितना भी है वो काफ़ी है, आपकी लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं वो सफिशियंट है, उसी में खुश रहना चाहिए। और अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं, अथाह विश्वास करते हैं, तो सच में ईश्वर आपके लिए हर पल लगे रहेंगे। वो
वो ऐसे करते हैं ना, ये फिंगर है ना उनके लिए से गॉड ही, तो उसको ऐसे फिंगर बस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे ही करना है उनको, कुछ नहीं करना है उसको, इधर से उधर कर देना है, जो आपकी इच्छाएं हैं अगर आप सही हैं तो उसको पूरा करने में टाइम ही लगता है। तो मैं सोचती हूँ कि हम सबको ऐसा ही सोचना चाहिए, हर समय सकारात्मकता अपने दिमाग में रखना चाहिए। जितना पॉजिटिव रहेंगे सच में आपको किसी से ईर्ष्या भी नहीं होगी। आपके बारे में कोई क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप खुद को कैसे लेते हो, या इतनी अच्छी लाइफ है, आपकी लाइफ है, आप उसको एंजॉय करते हो, उसको प्यार करते हो, अपने आप से प्यार करते हो। सबसे पहले तो खुद को ही खुद से प्यार करना चाहिए। अगर हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तो कोई कैसे प्यार करेगा। और खुद में विश्वास करना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए, हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम खुश रहें। हमें दूसरों की तकलीफ़ों में, दूसरों की परेशानी में उनकी मदद करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप काइंडफुल रहेंगे, अगर आप आपके अंदर दया की भावना रहेगी, तो भी ईश्वर बहुत खुश होते हैं और वो आपकी हेल्प करते हैं। तो ईश्वर बहुत दयालु है, ईश्वर के अंदर विश्वास बना के रखिए और चोरी, झूठ, फरेब, इन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। खुश रहना चाहिए जितना है उसमें ही। तो आई थिंक ये मेरी 5 मिनट हो गए होंगे, अभी चेक करती हूँ मैं। वो एक्चुअली किसी का कॉल आया, तो वो उस कॉल के चक्कर में वीडियो मेरा स्टॉप हो गया। अदरवाइज़ मैंने सोचा था कि मैं नॉन स्टॉप 5 मिनट बोलूँगी, क्या बोलूँगी मुझे भी नहीं पता, तो ब्रेक हो गया। तो मैं यही बोल रही थी कि हाँ, हम सबको अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, ज़रूरतमंद को सहारा देना चाहिए और हमेशा 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 खुश रहना चाहिए। फोकस हमें अपने काम पर होना चाहिए। कोई अगर बेवजह हमसे उलझ भी रहा है तो ठीक है, डिस्टेंस बना लीजिए, दूर हो जाइए। बेमतलब में उलझिए मत, क्योंकि उलझाने से भी लोग कोशिश करते हैं कि उलझें और आपका काम बिगाड़ें, तो कुछ नहीं। सोचिए मत, अपनी जो आपका पथ है, जो आपका रास्ता है, जो आपने चूज किया है, उस रास्ते पर रहें। ईश्वर आपके साथ है। तो मैं भगवान में बहुत विश्वास करती हूँ और उसकी ताकत में मुझे अथाह विश्वास है। मैं पूरे ब्रह्मांड में विश्वास करती हूँ और सच में मुझे अपनी धरती माँ से बहुत प्यार है। आई लव माई अर्थ एंड ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अपना और अपने माता पिता का ज़रूर ध्यान रखें। धरती पे भगवान ने लाइव, जिंदा, जीवित माता पिता को भेजा है भगवान के रूप में, क्योंकि वो कितने बड़े शुभचिंतक होते हैं। तो अपने माता पिता का ध्यान रखिए, उनकी सुनिए और उनको साथ रखिए, उनका सहारा बनिए। जिन्होंने कभी आपको सहारा दिया था, उनका सहारा ज़रूर बनिए, ठीक है ना? क्योंकि कर्मा रिटर्न्स, आई बिलीव इन दिस टू। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।